तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों एनर्जी वर्क पावर एंड एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी को भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो को, आप देखिए वहां पे एनर्जी भी मिलेगा। तो एनर्जी किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं बच्चों? वर्क को देखा आपने कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिस्प्लेस होता है तो एनर्जी कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन भी मैंने बताया क्या, कि एनर्जी वर्क एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जब आप साइकिल चलाते हो तो अपनी एनर्जी साइकिल को ट्रांसफर करते हो, यानी आप वर्क करते हो, वर्क होता है आपके द्वारा। तो कोई भी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा हो तो वहां पे समझ जाना है कि हाँ वर्क हुआ है बच्चों, वही है एनर्जी। ठीक है, तो पहले हमने वर्क से देखा, वर्क वर्क कैसे भेजा करते हैं इस टाइप से। फिर एनर्जी क्या है, तो किसी बॉडी में कैपेसिटी टू डू द वर्क, कोई भी बॉडी में जितनी भी कैपेसिटी होती है वर्क करने की वो उसकी एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो वो एनर्जी कहलाया। एनर्जी में भी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो ये सब एनर्जी था। हीट एनर्जी, इसमें हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है। अभी काइनेटिक एनर्जी के बाद आइए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी पहले जैसे फोर्सेज क्या क्या होता है, वर्क पावर एंड एनर्जी के फॉर्म में उसके बेसिस पे फोर्स को फोर टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फोर टाइप पे क्लासिफाई किया गया है वर्क पावर एनर्जी के बेसिस पे। ठीक ना, इन द सेंस ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी फोर्सेज आर क्लासिफाइड इंटू फोर पार्ट्स। कौन कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना बच्चों, एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये फोर फोर्सेस की जानकारी होनी चाहिए। ओके, और एक और बात आप ध्यान रखें कि बिना कोई टर्म एंड कंडीशन का वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी का जो आप ये जो एप्लीकेशन है ये यूज होता है, ये अप्लीकेबल होता है ये ऐसे सिस्टम के लिए जो दो और दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। वैसे पार्टिकल के लिए ये फुल एप्लीकेशंस, ये इसका जो भी है ना ये अप्लाई होता है उस पे। किस सिस्टम के लिए, जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से बना हुआ हो। तो हम लोगों ने देखा कि वर्क पावर एंड एनर्जी के बेसिस पे फोर्स को फोर पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब पहली बात है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है ना बच्चों, तो आइए ये चारों फोर्स कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए और फुल कंसेंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को सीखने की कोशिश करिए, मैं चला एक्सप्लेन करने। ओके, लेट्स स्टार्ट। On the basis of work power and energy फोर्सेज आर क्लासिफाइड इंटू फोर पार्ट्स। ठीक है बच्चों, फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होगा इंटरनल फोर्स, सेकेंड को कहा जाता है एक्सटर्नल फोर्स, थर्ड होगा बच्चों
कंजर्वेटिव फोर्स एंड फोर्थ होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, ये फोर टाइप का फोर्स होता है। इन फोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स किसे कहेंगे? किसी भी सिस्टम का एक पार्टिकल उस सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे जो भी फोर्स अप्लाई करता है वो इंटरनल फोर्स हुआ। किसी भी बॉडी का, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका एक पार्ट उसके दूसरे पार्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हो अगर, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स है। ओके, और फिर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जब कोई एक बॉडी पे कोई दूसरा बॉडी फोर्स अप्लाई करता हो, एक सिस्टम पे दूसरा सिस्टम के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई होगा फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होता है। इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ड्राइव करते हैं। तो अभी इंटरनल फोर्स किसे कहेंगे? सबसे पहला है इंटरनल फोर्स, ओके। ये क्या होगा? सिस्टम का एक पार्टिकल उसके दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता हो, या एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स अप्लाई करे, तो उसे कहा जाएगा इंटरनल फोर्स। फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल बाय अदर पार्टिकल ऑफ सिस्टम के। जिसे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स फोर्स अप्लाइड विद इन ए सिस्टम ठीक है ना, और ये सब इंटरनल फोर्स होगा। जैसे एक सिस्टम आपने ड्रा किया, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना सिस्टम, तो मान लीजिए कि ये वाला पार्टिकल है आई और ये है जे, ठीक है, पार्टिकल का नेम है। पार्टिकल ए आई इस पे इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये इसको अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। एफ जे पे अप्लाई हो रहा है आई के द्वारा, और ये क्या है बच्चों? एफ आई पे अप्लाई हो रहा है जे के द्वारा। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ये फोर्स, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको, इस पे, ये सब क्या है? इंटरनल फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों? हियर इफ जे आई इक्वल्स इफ आई जे, ऐसा होगा। कोई ऐसा सिस्टम बना लीजिए जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो फोर्स क्या होगा? एफ वन
F2, F3 and so on are internal force. ये सब इंटरनल फोर्स है बच्चों। सिस्टम कहीं एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो वो कहलाता है इंटरनल फोर्स। एक एग्जांपल, फोर्स ऑन इलास्टिक, इलास्टिक बॉडी पे, कोई इलास्टिक बॉडी है बच्चों, स्टार्टिंग में इस टाइप से रखा हुआ है ग्राउंड पे, ऐसे है, और इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे जैसे जब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया इसका शेप कैसा बन जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा बच्चों। शेप इसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ऐसा इसका चेंजिंग शेप चेंज हो जाता है ना, जब आप इलास्टिक बॉडी पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि यहां वाला पार्टिकल इसके इस वाले पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई किया और ये जो ये फोर्स आपने अप्लाई किया है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से इंटरनल फोर्स मेजर करते हैं, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ना। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स कैसा क्या होगा, जब एक बॉडी पे एक सिस्टम पे दूसरा सिस्टम के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता हो तो एक्सटर्नल फोर्स है। आपने इंटरनल में क्या देखा, एक ही सिस्टम में एक ही सिस्टम का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर रहा था तो सारा फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज था, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे फोर्स अप्लाई करे तो इंटरनल फोर्स है। लेकिन एक्सटर्नल क्या होगा, एक सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल सोर्स फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल बॉडी एक्सटर्नल सिस्टम से फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो वैसा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा बच्चा, ठीक है। देखिए फोर्स विच इज अप्लाइड और ए सिस्टम बाई अदर सिस्टम एक अदर सिस्टम के कारण और अदर सिस्टम और एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स कैसे, मान लीजिए एक सिस्टम आपने ड्रॉ किया, ये एक सिस्टम ड्रॉ किया जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बच्चा, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 n पार्टिकल्स, लेकिन इस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहां पर भी कोई पार्टिकल है, कोई सिस्टम है, ओके, यहां पर F है, ओके, F है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से कारण बाहरी सोर्स से इस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इधर ये हो गया आपका एफ ए और ये बी ने अप्लाई किया, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहां पे इंटरनल फोर्स कौन कौन सा है बच्चों, एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड सो ऑन आर इंटरनल फोर्स,
But if A and if B are external force, ठीक है बच्चों, समझ गए? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी समझ पाएंगे। दूसरा टाइप, दो टाइप का हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम लोग को पढ़ना है मेन कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड नंबर में क्या था बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? ऐसे फोर्स जिसके कारण वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो। ओके, गिवन फोर्स के कारण जो वर्क किया जाएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पाथ से आप उसको मूव कराएंगे, डिस्प्लेस कराएंगे, सेम वर्क आएगा, तो वैसे फोर्स को कहा जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। एक और तरीके से, दूसरे वर्ड में आप इसे कह सकते हैं कि ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्क डन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ के शेप और साइज के अनुसार चेंज नहीं होता है बच्चों, समझ गए ना? तो ये बातें हुई। तीसरी बात कहा गया कि जब भी ये जो होता है एक राउंड ट्रिप में, ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्क डन एक राउंड ट्रिप में जीरो होता हो, तो भी समझ जाएंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना? कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या कर सकता है? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, पाथ इंडिपेंडेंट, डिफरेंट पाथ से किसी भी पाथ से आप मूव कराइए, उसके कारण वर्क डन उसको सेम मिलेगा। मान लीजिए कि इस पाथ से यहां पे ए और यहां पे बी है, इसको आप किसी भी पाथ से डिस्प्लेस कराइए, पार्टिकल को जैसे मूव कराइए, ऐसे ऐसे डिफरेंट पाथ है ना, थ्री पाथ है, पाथ है बच्चों, वन टू थ्री, थ्री पाथ है, सब में वर्क भी डिफरेंट होगा, वर्क डिफरेंट होना चाहिए ना, डब्ल्यू वन, यहां पे डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन अगर लिखेंगे तो इसके कारण वर्क डन डब्ल्यू वन इक्वल्स होगा डब्ल्यू टू का, ये इक्वल होगा डब्ल्यू थ्री का, तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्क जो हुआ है जो तीनों इक्वल है ये कंजर्वेटिव फोर्स का काम है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ऐसा हुआ है, या जिस किसी फोर्स ने भी ऐसा वर्क किया है जिससे पाथ इंडिपेंडेंट है, ये सारा फोर्सेज इक्वल आ रहा, वर्क डन इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो आप, इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तीसरी बात क्या है, एक राउंड ट्रिप में, मान लो एक राउंड ट्रिप है, यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन इसका यही है, यहां से चलता हुआ, यहां से डिस्प्लेस कराते हुए, डिस्प्लेस कराता हुआ यहां पे आया, फिर यहां पे पहुंच गया, इसका फाइनल पोजीशन यही ना है। एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा ऐसे फोर्स के कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, वो हमेशा जीरो होगा बच्चे, जीरो। एक राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन आपको जीरो मिल रहा है तो भी वैसे फोर्स को कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है बच्चों? मान लीजिए आप ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखे हैं, ठीक ना, अपने ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखिए ऐसा एक ब्लॉक को आपने यहां रखा, कहां पे है, ग्राउंड पे है, इसको डिस्प्लेस कराकर अपने यहां से यहां ला दिया, ठीक ना बच्चों? ए से चलकर बी पे लाया आपने, फिर यहां से ये डिस्प्लेस होकर ऊपर ले गया आपने, यहां पे लाया, फिर यहां से डिस्प्लेस करके अपने इसको यहां लाया, और फाइनली इसको डिस्प्लेस करके यहां पर ला दिया, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया ना,
वन राउंड कंप्लीट कर लिया ये, जिससे कहा वर्क डन क्या होगा, ए बी सी डी। तो बच्चों यहां पे वर्क डन ए से बी और बी से सी और सी से डी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा बच्चों, ठीक ना। तो इसे कहा जाएगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स था इसलिए ऐसा वर्क डन मिल रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने का तरीका समझ में आ गया, थ्री टाइप से आप पहचान सकते हो। पहला कहा गया कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। तो आइए इसे लिखते हैं, कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो इस पे एमजी फोर्स लग रहा है नीचे और आपने डिस्प्लेस किया इधर, तो 90 डिग्री पे डिस्प्लेस कर रहे हो ना, तो इसके कारण तो वर्क डन जीरो। फिर यहां पे 180 डिग्री पे होगा, एमजी लग रहा है नीचे और डिस्प्लेस कर रहे हो ऊपर, तो 180 डिग्री मतलब निगेटिव वर्क होगा, फिर यहाँ निगेटिव वर्क होगा यहाँ, फिर यहाँ तो वर्क जीरो हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा, तो पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क मिलकर क्या हुआ, जीरो। इसलिए कहा जाता है बच्चों ग्रेविटेशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बायोन्सी फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स को भी कहा जाता है स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है बच्चों, इसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक ना बच्चों, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। से दूसरे वर्ड में कह सकते हो इट मींस वर्क वर्क डन बाय दिस फोर्स does not depend upon path followed by particle, ठीक है। पार्टिकल के द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया उस पे जो भी वर्क किया जाएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, एक इन राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में ऐसे फोर्स के कारण वर्क डन जीरो होता है। इन राउंड ट्रिप वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, ठीक है ना बच्चों। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो कैसे होगा, ये पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा, ये एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चों आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करता हूं कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे मेजर करेंगे। पहले कौन कौन सा एग्जांपल लिख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है। पहला होगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी नाम में होगा, स्प्रिंग फोर्स
तीसरे नंबर में होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, चौथे नंबर में होगा बायोमेसी फोर्स, बायोमेसी फोर्स ओके। तो ये कैसे वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होता है, ये प्रूफ करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे होगा बच्चों, मान लीजिए एक इंक्लाइन सरफेस पे आपने कि यहां से ग्राउंड पर एक वेज रखा हुआ है, इस वेज पे यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पे या नहीं, इसके लोअर एंड पे ग्राउंड पर एक ब्लॉक है बच्चों, इस ग्राउंड पे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पॉइंट का नेम है ए, इसको कहा गया बी और इसे सी कहा गया, ए बी सी। यहां से ये इसका एच हाइट है और ये होगा इसका एल लेंथ, यहां पे ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको वर्क करना है, क्या करेंगे, कितना पाथ हो सकता है, दो पाथ होगी, एक यहां से यहां पे लाएंगे आप, यहां से यहां तक ले जाएंगे, ए से बी और बी से सी तक ले जाएंगे, ओके। तो वर्क कितना आएगा ये देखना है, और दूसरा क्या देखना है कि जब आप ए से डायरेक्ट सी पे लाएंगे, दो तरीके से आप इसको मूव कराएंगे, दो पाथ से मूव कराते हैं, क्या दोनों पाथ से डिफरेंट वर्क होना चाहिए, क्योंकि इधर से लेंथ देखिए ज्यादा है, ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है ना इधर से और इधर वाले से, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, तो वर्क भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वर्क सेम होगा। कैसे होगा प्रूफ करते हैं। जब आप वर्क डन मेजर करेंगे, पहली बात हमें ये मेजर करना है, ये तो एच हाइट गिवेन है जो, लेकिन ये जो लेंथ है ये कितना होगा, ठीक है। ये भी तो आप ऊपर डिस्प्लेस जब करा रहे हैं इसको ए से सी तक, तो फिर ये हाइट ऊपर ही जा रहा है ना, हाइट तो आएगा ऊपर ही डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो कितना होगा, क्या करोगे आप, यहाँ पर पेंडिकुलर गिवेन है और ये हाइपोटेन्यूस गिवेन है, साइन यूज करोगे या कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एच अपॉन एल होगा बच्चों, क्या एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा आप लिख सकते हो, जहां पे एल साइन थीटा दिखेगा हमें वहां पर मैं एच लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम में यहां पे इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा बच्चों, सबसे पहले फोर्स दिखाइए आप, यहां पे एमजी लग रहा होगा, एमजी फोर्स लग रहा होगा, तो ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा, पहले हम लिखते हैं इसमें वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे आप इसमें, किसके कारण, एम जी के कारण मेजर कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या है, एम जी
mg डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वेक्टर s प्लस इसमें भी वही लिखना है mg वेक्टर डॉट वेक्टर s। बच्चों एक बात बताइए, a से b तक मूव करने में a से s a b लिख देता हूं ताकि ये पता चले कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है। BC ये डिस्प्लेसमेंट है, आइए इसको बाय फिगर समझते हैं। आपने ब्लॉक को यहां पर डिस्प्लेस कराया, ब्लॉक जब इस पोजीशन में रखा है ये पॉइंट पे बच्चों MG लग रहा है यहां और डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो आप इधर, SAB इधर है ना, तो एंगल कितना बनेगा इसके बीच 90 डिग्री ना, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। प्लस यहां पे बी पे है ब्लॉक, ब्लॉक बी पे है, आप एम जी इससे नीचे फोर्स अप्लाई कर दिए और डिस्प्लेस किधर कराएंगे, बी से सी तक ले जाने में वो किधर डिस्प्लेस होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। तो इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे आप इधर, ये डिस्प्लेसमेंट का नेम क्या होगा, एस बी से सी तक। तो फिर एंगल क्या होगा इसके बीच, अच्छा ये जो एंगल है ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, यही होगा ना। फिर देखिए क्या लिखेंगे आप, एम जी एस ए बी, एस ए बी को एस ए बी क्या लिखें, कॉस 90 डिग्री प्लस एम जी एस बी सी और कॉस 180 डिग्री। बच्चों वर्क का यही होता है ना फॉर्मूला, तो ये कॉस 90 का जीरो हो जाएगा यहां, प्लस इसका क्या लिखेंगे, एम जी रहेगा। अच्छा एस ए बी को एस बी सी को क्या लिखे हूं, लिखा हूं मैं एच लिखा हूं, एच होगा एम जी एच और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस वन हो जाता है, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस वन। तो फाइनली क्या मिला बच्चों आपको, माइनस एम जी एच मिला, समझ गए। ए से सी तक जब आप ब्लॉक को डिस्प्लेस कराएंगे तो माइनस एम जी एच मिला है बच्चों, माइनस एम जी एच। देखते हैं क्या ए से सी तक डायरेक्ट ले जाने में क्या होगा, फिर अभी भी अब दूसरे पाथ से वर्क डन फ्रॉम ए टू सी क्या करना है, ए से सी पर अब आपको इस पाथ से क्रॉस इसको डिस्प्लेस कराना है ऊपर की ओर, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। यहां पे क्या करेंगे, फिगर ड्रा करिए, जो ब्लॉक है यहां पे और इसे आपको डिस्प्लेस कराकर एल डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जाना है, यहां पर लाना है, इस पे नीचे कर ले क्या लग रहा है एम जी, तो जिधर डिस्प्लेस हो रहा है उधर की ओर इसका इफेक्ट फोर्स क्या लगेगा बच्चों, ये है थीटा, ये जब थीटा है इस एम जी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या होगा बच्चों, एम जी साइन थीटा होगा, ठीक। तो इस वर्क में क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा डॉट वेक्टर एस ए सी, यहां होगा बच्चों एम जी साइन थीटा एस ए सी क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है बच्चों एल, और एंगल क्या बन रहा है
कॉस 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा फोर्स वाला इधर और डिस्प्लेस वाला इधर, कॉस 180 डिग्री होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एम डी साइन थीटा और ये कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, माइनस साइन आ जाएगा। एम जी एल साइन थीटा अच्छा क्या आया, एच लिख सकते हो, एल साइन थीटा के बदले क्या लिखोगे, एच। क्या ये दोनों वर्क बराबर आया ना बच्चों, ठीक है नोट करिए बच्चों। देखते हैं अब राउंड ट्रिप में आपने क्या देखा, अब कंजर्वेटिव फोर्स से काम, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स से काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स से काम करता है और वो कैसे होता है आपने अभी देखा कि इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें प्रूफ करना है कि एक राउंड ट्रिप में इसके कारण वर्कडन जीरो कैसे होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक राउंड ट्रिप में वर्कडन जीरो होना चाहिए, कैसे हुआ देखिए। इन राउंड ट्रिप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। कैसे होता है प्रूफ करिए, आइए प्रूफ करते हैं बच्चों। ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक को रखा गया बच्चों, जो ए पॉइंट पे है इसे आप यहां से डिस्प्लेस करके, यहां से आपने डिस्प्लेस कराया और यहां पे रखा, बी पॉइंट पे लाया इसके, ये डिस्प्लेस होने के बाद बी पॉइंट पे आ गया बच्चों, किधर डिस्प्लेस कराया इधर, फिर यहां से इसको आपने डिस्प्लेस कराया तो ये आ गया यहां पर, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, फिर ये यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे लाया आपने, और फिर ये डिस्प्लेस होकर यहां पे पहुंच गया, क्या एक राउंड कंप्लीट कर लिया ना ये ए बी सी डी। तो आपको वर्क मेजर करना है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पे बच्चों, क्या करोगे आप इसके लिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी और सी टू डी और डी टू ए, ठीक है ना बच्चों। इतना इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू बी, बी टू सी
सी टू डी और डी टू ए ना इक्वल टू होगा बच्चों वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, तो ए टू बी या सोचिए इसमें एम जी फोर्स हो रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है इधर बच्चों, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब आइए बी से सी पे, इस पे एम जी लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर, यहां पे एंगल क्या होगा 180 डिग्री। फिर यहां पे देखिए यहां पे एम जी लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, एंगल होगा 90 डिग्री। यहां पर क्या होगा एम जी लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी इसका हो रहा है नीचे की ओर बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ए से बी के बीच कितना एंगल बढ़ रहा है 90 डिग्री। क्या लिखोगे आप एम जी एस कॉस 90 डिग्री, एक स्टेप बढ़ा देता हूं एम जी वेक्टर डॉट वेक्टर एस ए बी बच्चो, फिर प्लस एम जी वेक्टर डॉट वेक्टर एस बी सी, एम जी वेक्टर डॉट वेक्टर एस सी डी प्लस एम जी वेक्टर डॉट वेक्टर एस डी ए। समझ गए ना बच्चों, अब इसे आप कैसे लिखोगे, इसके बीच एंगल क्या है एम जी एस ए बी कॉस कितना डिग्री बच्चों 90 डिग्री प्लस है ना 90 डिग्री ए से बी पर डिस्प्लेस कराने में, फिर यहां पर एम जी एस बी सी बी से सी एंगल क्या है बच्चों 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री होगा बच्चों प्लस एम जी एस सी डी का देखिए 90 डिग्री, सी से डी पे डिस्प्लेस कराएंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो एस सी डी कॉस 90 डिग्री प्लस इसके लिए क्या लिखोगे आप एम जी वेक्टर डॉट एम जी वेक्टर एम जी वेक्टर नहीं बच्चों एम जी फिर एस सी डी और कॉस एस सी डी नहीं बच्चों एस डी ए एस डी ए होगा डी से ए कितना डिग्री, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है तो ये होगा कॉस 0 डिग्री। कितना आएगा बच्चों इसका कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस इसका क्या होगा माइनस होगा माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच लिखिए क्योंकि इसके बीच का हाइट जो है वो एच हाइट है प्लस इसका तो कॉस 90 है तो 0 ये तो आपका सेम डायरेक्शन में है तो इसकी ये प्लस एम जी एच होगा, एक माइनस है और एक प्लस है क्या कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपको कितना मिला 0। एक राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या मिला बच्चों 0 होगा ना, कहां से कब तक ए से बी बी से सी सी से डी और डी से ए।
प्रूफ हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन एक राउंड ट्रिप में हमेशा जीरो होता है बच्चों। इस तरीके से प्रूफ करेंगे वर्क मेजर करने का एक बेस्ट प्रोसेस है। देखिए ये कंजर्वेटिव फोर्स इसीलिए इसे कहा जाता है। तो आइए यहां पे लैंग्वेज में लिख दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी कॉमा बी टू सी सी टू डी एंड डी टू ए। ओके, इतना डिस्प्लेस कराने में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन हम लोग मेजर किया। क्या देखा गया कि एक राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो आएगा बच्चा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं स्प्रिंग फोर्स एज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या रूल है, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होना चाहिए। ऐसे फोर्स जिसके कारण राउंड ट्रिप में उसके कारण वर्क डन एक कंप्लीट राउंड में उसके कारण वर्क डन जीरो होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इससे कारण वर्क डन पाथ ही इंडिपेंडेंट हो, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, पाथ डिफरेंट किसी भी पाथ से आप उसको मूव कराइए। ऐसे फोर्स के कारण कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा सेम होता है बच्चा, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम मानते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे है देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन मेजर करने जा रहे हैं। बच्चों तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे वो प्रूफ करना है आप जानते हो। देखिए स्प्रिंग फॉर्म करना पड़ेगा हमें, एक वाल है इधर, देखिए वाल, इस वाल से स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, यहां पे स्प्रिंग बना हुआ, ठीक है, और इधर क्या है, ग्राउंड है। इस स्प्रिंग को इधर की ओर पुल किया गया बच्चों, इधर पुल किया गया इसको, ठीक ना, इसको यहां से लाकर यहां पे रख दिया गया। इस स्प्रिंग को कुछ डिस्प्लेस कराया, थोड़ा डिस्प्लेस कराया, ये तो इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है बच्चों, और यहां से ये डिस्प्लेस कराया फाइनल पोजिशन पे ले जाएगा। इस पे आपको क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन मेजर करना है। स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है बच्चों, स्प्रिंग पे दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इधर की ओर लगेगा फोर्स और इस एंड पे भी इधर फोर्स लगता है ना। ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया गया था, एफ एस बराबर होगा बच्चों, एफ स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स क्या है, इलोंगेशन या कंप्रेशन है बच्चों। ये दोनों एंड पे सेंटर की ओर फोर्स लगता है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये जरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और जब एक्सटर्नल सोर्स इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन मेजर करना है, वर्क मेजर करना है स्प्रिंग फोर्स के कारण बच्चों। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, उधर की ओर, स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा है ना,
kx लग रहा है। अब जब कोई एक्सटर्नल सोर्स इसे स्प्रिंग को इस ब्लॉक को पकड़कर थोड़ा डिस्प्लेस करा देगा, हल्का डिस्प्लेस करा देंगे, जब थोड़ा डिस्प्लेस कराएंगे बच्चों कितना डिस्प्लेस कर जाएगा ये डीएक्स, डीएक्स डिस्प्लेस कराया आपने, और आपको ये लेकर यहां से जाना है यहां पे बच्चों, यहां तक लाना है, इस ब्लॉक को यहां से आपने यहां तक डिस्प्लेस करा दिया। इधर डिस्प्लेस कैसे हुआ, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, और वर्क किसके कारण मेजर करना है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स से करना। यहां पे आई है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है बच्चों, यहां से यहां तक आपको ने डिस्प्लेस कराया, इसको यहां से यहां तक जो डिस्प्लेस कराया उसका कुछ लेंथ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट जो किया है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए एक्स नॉट है, एक्स नॉट डिस्प्लेस करा दिया और स्प्रिंग फोर्स चल रहा है उधर, और डिस्प्लेस हुआ इसके इधर साइड में बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर बच्चों, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा ना, तो यही वर्क डन लिखना है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे, टू डिस्प्लेस dx, dx डिस्प्लेस कराने में अपने वर्क किया जाए, स्मॉल वर्क मिलेगा, क्या लिखोगे आप इसमें, dw किसके कारण, fs के कारण बच्चों, स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन आप लिख रहे हो, तो क्या होगा fs डॉट डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क का यही फॉर्मूला होता है ना, छोटा डिस्प्लेस कराया हो तो स्मॉल वर्क डन मिलेगा, फिर आप इंटीग्रेट कर देना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा, देखिए छोटे छोटे पार्ट पे इतना डिस्प्लेस कराया, फिर थोड़ा छोटा सा छोटा ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कराएंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे टोटल को, बच्चों यहाँ पे डीपी आया, डीएक्स आया। अब यहाँ पे बताइए इसके बीच एंगल क्या है, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री है और एफ एस क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की जरूरत है हमें, के एक्स टू डी एक्स को क्या लिखोगे आप, डी एक्स कॉस 180 डिग्री होगा, ठीक है, और यहां पे आप माइनस रखिए तो माइनस के एक्स और डी एक्स और इसका क्या होगा माइनस वन, जो क्या हो जाएगा ये के एक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू एफ एस इज इक्वल टू, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वर्क डन मिल गया आपको, और टोटल वर्क डन चाहिए आपको, क्या करेंगे यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में जो वर्क किया गया टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे। ओके बच्चों देखिए क्या होगा, आपने देखा स्प्रिंग फोर्स एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है, यहां से यहां तक लाने में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाने में जो वर्क किया गया वही वर्क यहां से इसको रिटर्न होने में होता है, सेम फोर्स सेम वर्क होता है बच्चों, वर्क स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, वो प्रूफ किया गया है, तो आपने देखा यहां पर यहां तक उन्होंने आया। नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है डब्ल्यू एफ एस, अब यहां से जब रिटर्न हो रहा है तब क्या होगा,
तो आप देखे हो dx निगेटिव होगा बच्चों, क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर रहा है। जब लेंथ डिक्रीज करता है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे आपको वर्क डन निगेटिव आया है ना, और ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के कारण ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। कहां से कहां तक, फाइनल से इनिशियल तक बच्चों, इनिशियल से फाइनल तक में आया है क्या, यहां पर देखिए ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और फाइनल से इनिशियल में जाने में भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आया है। क्या दोनों इक्वल है ना, समझ गए। तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, ये प्रूफ हो गया यहां पे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो अब पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या था बच्चों, पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और एक राउंड ट्रिप में वैसे फोर्स के कारण नेट वर्क डन जीरो होता था। तो अब हमें क्या करना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा बच्चों। ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो वो कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक राउंड ट्रिप में उसके कारण वर्क डन जीरो नहीं होता हो, ठीक ना बच्चों। डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वर्क डन होता हो, कौन सा फोर्स हो सकता है ऐसा, जैसा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, एयर रेसिस्टेंस हो सकता है ना बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होंगे जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, उसे कहा जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आइए इसको प्रूफ करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है इसे प्रूफ किया जाए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका डिफिनेशन, वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ठीक है बच्चों। दूसरे वर्ड में आप इसे कह सकते हो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ डिफरेंट, पाथ डिपेंडेंट बच्चों, पाथ डिपेंडेंट। Okay? कैसे पाथ पे डिपेंड करता है, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिफरेंट पाथ से इसके द्वारा वर्क डन, ऐसे फोर्स के कारण वर्क डन डिफरेंट होगा बच्चों। यहां पे वर्क डन वन टू और थ्री है, इस तीनों वर्क डन इक्वल नहीं होगा, तीनों वर्क डन डिफरेंट होगा बच्चों। तो जिस फोर्स के कारण ये वर्क हुआ है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, ठीक ना। इसे कहा जाता है पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब डिफरेंट पाथ से वर्क डन डिफरेंट होता हो।
वर्क डन बाय दिस फोर्स इज डिफरेंट थ्रू डिफरेंट पाथ एक और लाइन लिखो इन राउंड ट्रिप worked done by this force is never zero नाचो कभी भी जीरो नहीं होगा एग्जाम्पल कौन सा फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव तो ये होगा बच्चों फ्रिक्शन फोर्स और क्या होगा ये रेसिस्टेंस ठीक है ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों चलिए इसे नोट करिए फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है